हर हर महादेव। बहुत से सज्जन पंडित जन कई लोग ऐसा प्रश्न करते रहते हैं कि विवाह इत्यादि करने के बाद हम तीर्थ यात्रा करने जा सकते हैं या अमुक कर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कई तरीके के प्रश्न पूछते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ समाज के लिए अत्यावश्यक है। तो आप समझें, कोई भी शुभ कर्म होने के बाद, संस्कार आदि कृत्य होने के बाद कितने दिन तक और क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक तो ये बात है। उससे पहले आप ये देखें कि जब हमारा कोई भी यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म संस्कार आदि प्रारंभ हो गए, खास रूप से जिनमें मंडप बनना है ना, जिनमें मंडप बनना है, तो कर्म के आरंभ होने के बाद, मान नांदी श्राद्ध आदि होने के बाद, और जब तक देवताओं का विसर्जन नहीं हो जाएगा, मंडपोद्वासन नहीं हो जाएगा, या जो है मातृकाओं का विसर्जन नहीं हो जाएगा, तब तक किन किन कर्मों का बीच में निषेध किया गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई कर्म तो ऐसे हैं सुनकर के आपको लगेगा अरे इसका भी निषेध है। देखिए, तो विधि से निषेध बलवान होता, ये बात तो निश्चित ही है। तो देखें आप, कर्मकांड प्रदीप ग्रंथ के आधार पर हम आपको कई प्रकार के शास्त्र वचनों के आधार पर बतलाएंगे। कह रहे हैं कि अथाभ्युदयिक श्राद्धोत्तरम देवकोत्थापन पर्यंतम निषिद्ध कर्माणि गार्ग्यः। गर्ग ऋषि के मतानुसार बतला रहे हैं कि जब नांदी श्राद्ध आदि हो जाए, माने उस व्रत उस कर्म का प्रारंभ हो जाए, और जब तक देवताओं का विसर्जन नहीं हो जाए, मातृकाओं का विसर्जन मंडपोद्वासन नहीं हो जाए, तब तक नांदी श्राद्धे कृते पश्चात यावन मात्र विसर्जनम दर्श श्राद्धम क्षय श्राद्धम स्नानम शीतोदकेन च अपसभ्यम स्वधाकारम नित्य श्राद्धम तथैव च ब्रह्म यज्ञम चाध्ययनम नदी सीमांत लंघनम उपवास व्रतम चैव श्राद्ध भोजनमेव च नैव कुरियुः सपिंडाश्च मंडपोद्वासनावधि। देखिए, नांदी श्राद्ध हो जाने के बाद जब तक मातृकाओं का विसर्जन या जो मंडपोद्वासन नहीं होता, तब तक दर्श श्राद्धम, जो अमावस्या में होने वाला श्राद्ध है, दर्श श्राद्ध करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक बात खास और, हमारे कोई विवाह यज्ञ या और भी कोई शुभ कर्म हो, कितने दिन का है ना, कई दिनों का यज्ञ है, कई दिनों का कोई संस्कार है, विवाह आदि में कई दिन लग जाते हैं, तो जब से कोई प्रारंभ हो, जब तक अंत न हो जाए, तब तक बीच में अमावस्या नहीं पड़नी चाहिए, पितरों का श्राद्ध दिन नहीं पड़ना चाहिए पूरे परिवार में, ठीक है ना। दर्श श्राद्ध क्षय श्राद्धम, किसी की मृत्यु वाला दिन नहीं आना चाहिए, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है वो तिथि नहीं आना चाहिए। स्नानम शीतोदके न च, और क्षय श्राद्ध भी न करें, मतलब दिन भी नहीं आना, तथा उसमें ठंडे जल से स्नान नहीं करना चाहिए उन दिनों कर्ता को विशेष रूप से। अपसभ्यम, जैसे हम जो जनेऊ को बाएं कंधे पे डाल करके दाएं हाथ के नीचे रखते हैं, इसको सभ्य कहते हैं, और पितृकर्म में जनेऊ जो है यज्ञोपवीत दाएं कंधे से और बाएं हाथ के नीचे जाता है, तो इसको अपसभ्य कहते हैं। तो भले ही पितृकर्म न करे, लेकिन अपसभ्य हो ही नहीं, जनेऊ को ऐसे कभी डालना ही नहीं है। स्वधाकारम, स्वधाकार नहीं कहना है, स्वधा माने स्वधा बोलना ही नहीं है। नित्य श्राद्धम, नित्य श्राद्ध कोई प्रतिदिन श्राद्ध करते हो तो वो भी इतने दिनों बंद रहेगा बीच में। ब्रह्म यज्ञम, कोई नित्य प्रति वेद आदि शास्त्रों का पाठ करते हैं, उनका नियम है, लेकिन ब्रह्म यज्ञ भी कोई संस्कार आदि विवाह यज्ञ इत्यादि मंडप वाले कर्म प्रारंभ हो जाते हैं तो बंद रहते हैं। चाध्ययनम, उस समय अध्ययन भी बंद रहता है, पढ़ना वेदाध्ययन आदि। और नदी सीमांत लंघनम, नदी का उल्लंघन, किसी देश की सीमा का उल्लंघन, ये भी नहीं करना है। उपवास व्रतम चैव, यहां आचार्यों ने अर्थ बतलाया कि कोई उपवास व्रत यदि इनके बीच में पड़ जाए तो, बोले ये है कि नया उपवास प्रारंभ न करे और नया व्रत प्रारंभ नहीं करे,
अगर कोई करते आ रहे हैं, चल रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा कुछ खा करके, एकदम निर्जल व्रत इसके बीच में न करें, कुछ खा करके उसको पूरा करें, या कुछ पान करके जल पी करके उस व्रत को रहें। किंचित भुक्त्वा कारयेत, ये बात है। श्राद्ध भोजन में वचा, और किसी दूसरे के यहां भी जा करके श्राद्ध का भोजन न करें, श्राद्ध का भंडारा न पाए, समझ गए ना। नैव कुर्युः सपिंडाश्च, ये कार्य जिसके यहाँ यज्ञ हो रहा है, जिसके यहाँ कोई मंडप वाला कृत्य संस्कार इत्यादि कर्म यज्ञोपवीत आदि हो रहे हैं, तो उस परिवार को नहीं करना चाहिए। कब तक? मंडपोद वासनावधि, जब तक मंडप नहीं उखड़ जाए तब तक, ये मंडप का उद्वासन ना हो जाए तब तक ये नियम है। तो कितने पीढ़ियों तक ये निभाना चाहिए? बोले अत्र चतुः पुरुषम सापिंडम, इस कर्म, वैसे सापिंड सात पीढ़ी का होता है, सापिंड शब्द आ रहा है बार बार, परंतु यहां सापिंड शब्द का अर्थ है चतुः पुरुषम, चार पीढ़ी तक जिसका जो यज्ञ कर रहे हैं, जिसका जो संस्कार हो रहा है, उसके जो है चार पीढ़ी तक उसका जो करता है ना, वो संस्कार है, वो नहीं संस्कर्ता, वो संस्कार करने वाला जो पिता है, उससे आगे की चार पीढ़ियों में ये नियम रखना चाहिए, और उससे आगे वालों के भी, ऊपर वालों के भी ये नियम है। ऐसा नहीं है कि हमारे उसका हो रहा है तो दादाजी इत्यादि वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं। आचातुर्थ्यम नैव कुर्युः पंचमेषु वदम, चार उससे आगे चार पीढ़ी, उससे आगे की चार, ऊपर की तो जो भी है जीवित वो सब मानेंगी, नीचे की उससे आगे की चार पीढ़ी इसका अनुसरण करें, और पंचमे शुभदम भवेत इति वाक्या, और पांचवी पीढ़ी से ये काम करें उनके लिए तो शुभ है। और मार्तंडेपि आतुर्यादि इति वाक्या च, मार्कंडे इत्यादि के भी ऋषियों के यही वचन है, उनका यही अर्थ है। तो भाई नित्य श्राद्ध निषेध कर दिया आपने, फिर अलग से स्वधाकार भी कह रहे हैं, तो बोले स्वधाकार ग्रहणम तत्सहित वैश्वदेव निषेधार्थम, स्वधा कर्म कहने का मतलब है कि वैश्वदेव, बल वैश्वदेव कर्म भी न करे, इसलिए यज्ञादि इत्यादि से पहले बल वैश्वदेव का संकल्प कर दिया जाता है कि हम नित्य प्रति बल वैश्वदेव करते हैं, अब इस कर्म में जब से नांदी श्राद्ध हो गया, जब तक मंडपोद वासन नहीं होगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसके निमित्त घृत और अन्न का दान कर दिया जाता है, ये संकल्प होता है इस तरीके से। तो बोले निरग्निक विषय यम वैश्वदेव निषेधा न तो साग्निक विषय, बल वैश्वदेव का जो निषेध है वो निरग्निक, जो अग्निहोत्री नहीं है उनके लिए है, और जो अग्निहोत्री हैं, स्मार्त अग्निहोत्र या वैदिक अग्निहोत्र जो करते हैं, जो वैतानिक अग्निहोत्री है या गृह्याग्नि में हवन करने वाले हैं, वे सब लोग तो इसको करेंगे। कुरियात, क्योंकि उनका वचन है कुर्यात् पंच महायज्ञान नित्यसा सूतकम बिना इति वाक्या, जब तक कोई सूतक न हो तब तक वे लोग नित्य करें, ऐसा अग्निहोत्रियों के लिए अलग से वचन है, इसलिए वे लोग ये कर्म कर सकते हैं। एक कर्म और बतला रहे हैं ये कि उस कर्म को भी जब तक घर में कोई शुभ कर्म हो तो नहीं करना चाहिए, क्या है देखिए, अभ्यंगे सूतके रात्रौ विवाहे पुत्र जन्मनि मांगल्येषु च सर्वेषु न धार्यं गोपी चंदनम, देखिए इसी में लिखा हुआ कर्मकांड प्रदीप में, कह रहे हैं अभ्यंग स्नान करना हो इतने जगह पर गोपी चंदन नहीं लगाना चाहिए, निषेध बतला रहे हैं। किन किन जगहों पर गोपी चंदन नहीं लगाना चाहिए? अभ्यंग में, अभ्यंग स्नान करना हो, तेल मालिश करके जो स्नान करते हैं उसका विधान है, किसी किसी दिन ये जो है जैसे दीपावली के चतुर्दशी को दीपावली के दिन भी अभ्यंग स्नान का विधान था, तो अभ्यंग स्नान में सूतक, कोई जलना शौच या मरना शौच हो सूतक हो, रात्रि में, विवाह में, पुत्र जन्मनी पुत्र जन्मोत्सव में, और मांगल्येषु च सर्वेषु समस्त मांगलिक कृत्यों में न धार्यम गोपी चंदनम, गोपी चंदन नहीं धारण करना चाहिए, ऐसा ये जो इसमें बतलाया गया है। देखिए अब देखिए, लोग कहते हैं कि एक वर्ष तक क्या क्या नहीं करना है वो बतलाए हैं, अत मातृ विसर्जनानंतरम
अब्द पर्यंतम निषेधम आह वशिष्ठा। वशिष्ठ महर्षि ने बतलाया है कि किसी के यहाँ जब यज्ञ या शुभ कर्म समाप्त हो जाते, मातृकाओं का विसर्जन हो जाता, उसके बाद एक वर्ष तक क्या क्या कर्म नहीं करना है, सुनिए। स्नानम सचैलम तिल मिश्र कर्म प्रेतानुयानम कलश प्रदानम अपूर्व तीर्था मरदर्शनम च विवर्जयेन मंगलतोपदमेकम। सचैल स्नान, वस्त्र पहन करके सचैल स्नान होता है, वो नहीं करना है। तिल मिश्र कर्म यानी तिल मिश्र कर्म नहीं करना है। तिल मिश्र कर्म ने तिल से मिले हुए कर्म, पितृ कर्म इत्यादि नहीं करना है। प्रेतानुयानम किसी मुर्दे को ले जाकर के माने शव यात्रा में शामिल नहीं होना है। कलश प्रदानम देवताओं के लिए माने पितरों के उद्देश्य से कोई भी कलश, पितृणाम उद्देश्य न कलश दानम इत्यर्थ, पितरों के उद्देश्य से कलश दान नहीं करना है। अपूर्व तीर्था मर दर्शनंच, जिस तीर्थ में आप नहीं गए हैं अभी तक उस तीर्थ की यात्रा न करें। शुभ कर्म हो जाए, विवाह आदि यज्ञ त्याग हो जाए तो एक वर्ष तक। अमर दर्शनंच, वैसे देव दर्शन करने के लिए भी तीर्थ यात्रा देव यात्रा न करें, वहां न जाएं। विवर्जयेन मंगल तोपदमेकम, मंगल कर कृत्य इत्यादि के बाद एक वर्ष तक ये कर्म छोड़ देना चाहिए। इसका अपवाद बतला रहे हैं भाई, ऐसी ऐसी अवस्था में तो ये काम कर सकते हैं। तीर्थे संवत्सरे प्रेते पितृयज्ञ महालये कृतोद्वाहोऽपि कुर्वीत पिंड निर्वपणम सदा इति। देखिए, अगर किसी तीर्थ में कोई पहुंच ही गया तो वहां जैसे पिंडदान का निषेध बतलाया गया है कि पिंडदान इत्यादि न करे एक वर्ष तक, तिल से तर्पण न करे, ये भी निषेध है। तो इसका प्रतिप्रसर निषेध का निषेध बतला रहा है। अगर किसी तीर्थ यात्रा में कोई पहुंचा है तो वहां तो पिंडदान करना ही चाहिए। संवत्सरे, अपने पिता इत्यादि का कोई संवत्सर के एक उद्दिष्ट श्राद्ध है, उसमें अगर किसी के विवाह इत्यादि सब होने के बाद किसी के परिवार में वृद्ध माता पिता आदि की कोई मृत्यु हो जाती है तो उनके प्रेत कर्म में पिंडदान भी करना चाहिए। पितृयज्ञ, वो अग्निहोत्री इत्यादि या पितृयज्ञ करते हैं तब भी महालय श्राद्ध में, ऐसे समय पर भी जिनका जिन्होंने पुत्रादि का विवाह या जिनका खुद विवाह हुआ है वे लोग भी पिंड निर्वपण पिंडदान इत्यादि श्राद्ध कर सकते हैं। अब कह रहे हैं मास षटकम विवाहादौ व्रत प्रारंभेपि च, अगर 6 महीने तक कोई भी विवाह आदि होने के बाद व्रत प्रारंभण इत्यादि न करे, और यदि उसके बाद करता तो ठीक है। जीर्ण भांडादि न त्याज्यम, किसी के यहाँ विवाह इत्यादि शुभ कर्म मंगल कृत्य हुए हैं तो एक वर्ष तक कोई जो फूटा लोटा, फूटा बर्तन, फूटी थाली इत्यादि है उनको भी न निकालें। अगर आपको निकालना है तो विवाह से पहले ही हटा दो उनको, और अन्यथा भिन्न जीर्ण भांडादि न त्यजे न त्याज्यम, उनको छोड़े नहीं, वो त्याज्य नहीं है। अगर अपने बर्ताव में नहीं आने तो उनको उठा के अलग रख दीजिए, पर घर से बाहर बेचना, निकालना, फेंकना, त्यागना ये नहीं करना चाहिए। गृह सम्मार्जनम तथा इति, और तो और एक वर्ष तक ध्यान दे, में माताएं बहुत ध्यान दे, में एक वर्ष तक विवाह इत्यादि शुभ कर्म होने के बाद झाड़ू भी न हटाएं। अगर वो झाड़ू खराब हो जाए तो उस झाड़ू को रख दीजिए और दूसरी ले आइए, परंतु उसका त्याग नहीं है। गृह सम्मार्जनम तथा, बताइए शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। और तो और मुंडन न करावे, ऊर्ध्वम विवाहात पुत्रस्य तथा च व्रतबंधनात् आत्मनो मुंडनम चैव वर्षम वर्षार्धमेव च त्रिमासं वा त्रिपक्षं वा न कुर्वीत कदाचन इति। कह रहे हैं जब तक विवाह पुत्र का विवाह हुआ हो या खुद का विवाह हो, ऊर्ध्वम विवाहात पुत्रस्य तथा च व्रतबंधनात्, विवाह खुद का हुआ हो, पुत्र का हुआ हो, या पुत्र का उपनयन संस्कार करवाया हो, तो आत्मनो मुंडनम चैव वर्षावधि न कारय, एक वर्ष तक अपना मुंडन नहीं करवाए, कम से कम त्रिमासं वा
वर्षार्थ में हुआ, पहले कहते 6 महीने तक तो कम से कम निवाल है, और अन्यथा त्रिमासंबा 3 महीने तक, और अन्यथा 3 महीने तक भी न करवाया, दाढ़ी मूछ इत्यादि नहीं बनवाली बन रही है, तो त्रिपक्षंबा न पूर्वीत कदाचन। 3 पक्ष माने 1.5 महीने तक तो बिल्कुल भी जो है केश कर्तन या मुंडन के लिए खास रूप से मना कर रहे हैं, पर 1.5 महीने तक तो वो वैसे भी न करवाए, स्मश्रुत्यादि भी न बनवाए, मुख्य रूप से मुंडन करवाना 1 वर्ष तक निषेध है। निभा सके तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 1.5 महीने तक तो निभाना ही चाहिए, अत्यावश्यक में बतलाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम तो 1.5 महीने तक ही बतला दिए गया उसको ही पालन करना। तो इस तरीके से शास्त्रों में मंगल कृत्य जब तक चल रहा है तब तक के नियम, तथा मंगल कृत्य होने के बाद 1 वर्ष तक परिवार के लोगों को किन किन नियमों का पालन करना है ये शास्त्रों में बतलाया गया है, इसका आप सब लोग अवश्य ही परिपालन करें। हर हर महादेव।